दोस्तों फॉलो मी ऑन द अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड गेट अपडेट्स अबाउट माई न्यू कोर्सेस। यस, वहाँ पर आप मेरे सारे लेसन्स देख सकते हैं। 3 कोर्सेस अब तक पब्लिश हो चुके हैं और आप स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिनसे मैं पढ़ाता हूँ, और वीडियोस को ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें अन अकेडमी का लर्निंग ऐप। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और क्वेश्चन नंबर 33 से हम शुरू करेंगे संस्कृत व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। क्वेश्चन नंबर 32 तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया था पहले वाले वीडियो में, ये दूसरा वीडियो है। तो पच धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा शब्द रूप होगा? सही जवाब होगा पच्यन्ति, तीसरा ऑप्शन सही है। वस्तिप जोड़ने पर क्या रूप बनता है? तो सही जवाब होगा वसति। ठीक है, शक्ति मुतुप जोड़ने पर क्या रूप बनेगा? सही जवाब होगा शक्तिमत, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, शक्तिमत। रूपवती प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है? सही जवाब होगा रूपवत में डी प्रत्यय लगा करके रूपवती प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय बना दिया गया है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। भाषा का प्रयोग कितने रूपों में होता है? तो दोस्तों भाषा का प्रयोग 2 रूपों में होता है, ठीक है, लिखित और मौखिक। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? सही जवाब होगा सी, 5 वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग में। मोचय प्लस आनेन में क्या संधि बनती है? सही जवाब होगा मोचयानेन, ठीक है, ये या और आ मिलके बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है। बिना शब्द के योग में कौन सी विभक्तियां होती हैं? तो इसके ऑप्शन आप यहां पर देख सकते हैं, द्वितीया तृतीया और पंचमी बिना शब्द के योग में विभक्ति होंगी, डी वाला ऑप्शन सटीक है, सही है। कौन सा संख्या शब्द सद द्विवचन में सदा सदैव आप कुछ भी कह सकते हैं द्विवचन में रहता है? सही जवाब होगा द्वि, ये जो है सदैव द्विवचन में रहता है। क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए पुल्लिंग में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है? सही जवाब होगा तमः, ठीक है। क्रमवाचक शब्द में आपको अगर बनाना है तो पुल्लिंग में आप तमः शब्द प्रत्यय जो है जोड़ेंगे। आत्मनः शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? सही जवाब होगा प्रथमा विभक्ति, आत्मनः शब्द में पहली ही विभक्ति होगी। त्वम शब्द रूप किस पद से या किस शब्द से निष्पन्न हुआ है? सही जवाब होगा युष्मद से त्वम शब्द रूप उत्पन्न हुआ है। अहसन क्रियापद में कौन सा वचन है? सही जवाब होगा बहुवचन होगा। आ दा ल्यप जोड़ने पर कौन सा रूप बनेगा? सही जवाब होगा आदाय, डी ऑप्शन। ऐतिहासिक प्रत्यय रूप में प्रकृति का प्रत्यय क्या है? सही जवाब होगा इतिहास और ठक, ये जो है प्रकृति प्रत्यय होगा। पाठक और टाप जोड़ने पर क्या रूप बनेगा? सही जवाब होगा पाठिका, ठीक है। तो ये संस्कृत के क्वेश्चन हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके व्याकरण और भाषा में, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भाषा के लिखने में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 49 का बी, लिपि। लिपि है जिसमें भाषा के लिखने में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह हैं वो लिपिबद्ध होते हैं, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख की वायु घर्षण पूर्वक बाहर निकलती वे क्या कहलाते हैं? सही जवाब होगा, देखिए घर्षण पूर्वक में ऊष्म स्वर हो जाएंगे या ऊष्म व्यंजन ऊष्म वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। वर्ष शतः प्लस अपि में क्या संधि बनती है? सही जवाब होगा बी, वर्ष शतरपि। छात्र पुस्तक पठति, इस वाक्य में कर्म क्या है? सही जवाब होगा पुस्तकम। 95 का संस्कृत शब्द क्या है? सही जवाब होगा पंच नवति, यानी 90 और 5। क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? सही जवाब होगा तमी, डी ऑप्शन। कर्तृ शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? सही जवाब होगा चतुर्थी विभक्ति। वे शब्द जो संज्ञा के शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? सही जवाब होगा सर्वनाम, जी हाँ,
सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहा जाता है। स्थास्यति क्रियापद में कौन सा लकार है? लट, लिट, लिंग या लुट? सही जवाब होगा बी ऑप्शन, लिट लकार। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए। स्थास्यति क्रियापद में कौन सा लकार? गए और कुतु जोड़ने पर क्या रूप बनेगा? सही जवाब होगा गीतवान। स्थूलत्वा जोड़ने में क्या रूप बनेगा? सही जवाब होगा स्थूलत्वम। और आखिरी क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, फिर 60 से 100 तक हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। कनिष्ठा प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है? सही जवाब होगा डी, कनिष्ठा। तो दोस्तों, जिसे ये नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके, एग्ज़ाम मास्टर स्पेशल नोट्स, व्हाट्सएप 9452267492। ज्वाइन अवर स्पेशल ग्रुप फॉर होल नोट्स ऑफ सी टेट एग्ज़ाम, यूपी टेट एग्ज़ाम, प्राइमरी या जूनियर दोनों लेवल के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।